हेलो व्यूअर्स जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है फेस्टिवल का मौका हो और कुछ मीठा खाने को दिल चाहे तो अक्सर हम खीर बनाते हैं इसलिए आज हम आपके साथ शेयर करेंगे मलाईदार चावल की खीर की रेसिपी इससे पहले भी हमने आपके साथ बहुत सी खीर की रेसिपी शेयर की है जैसे कि लौकी खीर साबूदाना खीर सीताफल खीर ब्रेड खीर और मखाना खीर अगर आपने हमारी ये रेसिपीज नहीं देखी तो उसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी तो चलिए शुरू करते हैं डेली और वीकेंड स्पेशल रेसिपीज़ के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें खीर बनाने के लिए हमने एक हेवी बॉटम पेन यानी कि मोटे तले का बर्तन लिया है इसमें हम एक टेबल स्पून घी ऐड करेंगे और घी को मेल्ट होने देंगे घी मेल्ट होने के बाद हम इसमें ऐड कर देंगे पचास ग्राम मावा यानी कि खोया और घी में हम मावे को मीडियम फ्लेम पर अच्छे से भूनेंगे घी में मावे को तीस से पैंतीस सेकंड तक भूनने के बाद आप देख सकते हैं कि मावे का कलर थोड़ा चेंज होने लगा है इस स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे एक लीटर फुल क्रीम दूध एक लीटर दूध के लिए हम इसमें आधा कप पानी ऐड करेंगे मिक्स कर लेंगे और हाई फ्लेम पर इसमें उबाल आने देंगे देखिए आप यहाँ पर थोड़ा सा पानी ज़रूर ऐड कीजिएगा ऐसा करने से दूध ज़्यादा रिड्यूस नहीं होगा एककू बनाने के बाद गैस की फ्लेम को लो कर देंगे और स्टेज पर हम इसमें ऐड कर देंगे सोक किए हुए खीर के चावल तो हमने 100 ग्राम खीर के चावल लिए और इसे दो से तीन बार पानी से अच्छी तरह धोने के बाद एक घंटे के लिए भिगो दिया था मिक्स कर लेंगे और लो फ्लेम पर इस खीर को पकने देंगे तो लो फ्लेम पर अभी इसे पकते हुए सिर्फ पाँच मिनट हुई है एक बार इसे चला लेंगे और इसे कवर करके पकाएंगे तो इसे कवर करके लो फ्लेम पर पकने देंगे और बीच बीच में हम इसे चेक करते रहेंगे ताकि ये नीचे ना लगे तो देखिए इसे कवर करके हमने लो फ्लेम पर आधे घंटे के लिए पका लिया और बीच बीच में हमने इसे चेक किया था आप देख सकते हैं कि हमने जो दूध लिया था उसका एक चौथाई हिस्सा रिड्यूस हो चुका है इस स्टेज पर हम इसमें चीनी ऐड कर देंगे तो हमने यहाँ पर 150 ग्राम चीनी ली है अगर आपको ज़्यादा मीठा पसंद है तो आप चीनी की क्वांटिटी बढ़ा सकते हैं और ऐड करेंगे हाफ़ टी स्पून इलायची पाउडर साथ ही में ऐड कर देंगे एक टेबल स्पून ड्राई फ्रूट्स आप अपनी पसंद के कोई भी ड्राई फ्रूट्स इसमें ऐड कर सकते हैं हमने काजू और बादाम ऐड किए खीर को बढ़िया सा टेक्सचर और कलर देने के लिए हम इसमें पाँच से छः केसर के धागे ऐड करेंगे देखिए केसर यहाँ पर बिल्कुल ऑप्शनल है अगर आप ना ऐड करना चाहें तो इसे स्किप कर दें मिक्स कर लेंगे और इसे लो फ्लेम पर कुछ देर तक और पकाएंगे। तो देखिए चीनी ड्राई फ्रूट्स इलायची पाउडर और केसर ऐड करने के बाद हमने इसे लो फ्लेम पर पाँच मिनट के लिए और पका लिया आप देख सकते हैं कि यहाँ पर हमारी चावल की खीर बनकर तैयार है हमने इसकी कंसिस्टेंसी को कुछ ऐसा रखा है क्योंकि ठंडी होने के बाद ये थोड़ी और गाढ़ी हो जाएगी गैस की फ्लेम को ऑफ़ करके हम इसमें ऐड कर देंगे हाफ़ टी स्पून रोज़ वाटर देखिए आप यहाँ पर रोज़ वाटर की जगह केवरा वाटर भी ऐड कर सकते हैं अच्छे से मिक्स कर लेंगे और रूम टेम्परेचर पर अच्छे से ठंडा करने के बाद हम इसे दो से तीन घंटे के लिए फ्रीज में रखेंगे तीन घंटे तक फ्रीज़ में रखने के बाद हम इसे सर्व कर लेंगे ये देखिए कितनी गाढ़ी और मलाईदार चावल की खीर बनकर तैयार हुई है वीडियो पसंद आई हो तो लाइक शेयर और कमेंट करें चैनल पर नए हैं तो मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन ज़रूर दबाएं और इस रेसिपी को फ्रेंड्स और फैमिली में ज़रूर से, से शेयर करें रेसिपी ट्राई करने के बाद अपने एक्सपीरियंस कमेंट बॉक्स में हमारे साथ शेयर करना बिल्कुल भी मत भूलिएगा फिर मिलेंगे जायका इंडिया का यूट्यूब चैनल पर एक नई रेसिपी के साथ तब तक के लिए गुड बाय